नमस्कार दोस्तों, एसके हाउस प्लान में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने आप सभी के लिए 14 फीट 6 इंच बाई 34 फीट का हाउस प्लान तैयार किया है। ये विद शॉप बनाया है। हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि ऐसा प्लान बनाएं जिसमें शॉप भी हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बनाया है। आप सभी को भी ये प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप सभी को मेरे बनाए हुए हाउस प्लान पसंद आ रहे हैं, आप मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब प्लान देखते हैं। ये हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान तैयार किया है और ये रोड साइड है, और इधर इस प्लॉट का डायमेंशन 14 फीट 6 इंच है, और ये दूसरी साइड की इसकी 34 फीट है। और यहां पर हमने शॉप बनाई है, ये 6 फीट बाई 8 फीट 9 इंच, इसमें 6 फीट ये साइड रहेगी और 8 फीट 9 इंच ये साइड रहेगी। और यहाँ ये रोलिंग शटर शो किया है, और यहां पर हमने इसका मेन गेट दिया है, और ये 4 फीट वाइड पैसेज है अंदर जाने के लिए, और यहाँ पर WC बनाया है ये 3 फीट बाई 3 फीट 6 इंच का, इसमें 3 फीट ये साइड है और 3 फीट 6 इंच ये साइड है। इसी के बराबर में बाथरूम है ये 3 फीट बाई 4 फीट 9 इंच का, इसमें 3 फीट ये साइड है और 4 फीट 9 इंच ये साइड रहेगी। अब पैसेज में से हम यहाँ आगे आते हैं लॉबी में। ये यहाँ पर से ही हमने 3 फीट वाइड स्टेयर्स ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए दिए हैं यहाँ से, और यहाँ ये हमने ओपन किचन बनाया है 8 फीट 6 इंच वाइड। यहाँ पर गैस स्टोव और यहाँ सिंक अरेंज की गई है, और यहाँ पर हमने ओपन स्पेस दिया है, ये 3 फीट 6 इंच वाइड है। यहाँ पर हम जाल लगा देंगे जिससे रोशनी भी आती रहे और इसका किचन का धुआं वगैरह भी निकल सके, वेंटिलेशन रहेगा। और ये पीछे की साइड में ये बेडरूम है 13 फीट 6 इंच बाई 11 फीट, इसमें 13 फीट 6 इंच ये साइड है और 11 फीट ये साइड है। यहाँ पर बेड, और यहाँ पर एक हमने सोफा और टेबल अरेंज की है, और यहाँ पर ये कवर प्रोवाइड की है। दोस्तों, आप सभी को मेरा बनाया हुआ प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।